राजधानी के मोहराबादी मैदान में बीते 10 दिनों से बंद पड़ी दुकानें अब खुल जाएंगी। सोमवार को दुकान खोलने को लेकर रांची नगर निगम की टीम अपर नगर आयुक्त के नेतृत्व में मोहराबादी मैदान पहुंची है। दुकानें फिर से शुरू करने के लिए जमीन समतलीकरण के कार्य भी शुरू कर दिए गए। मोहराबादी मैदान के बिजली सब स्टेशन के सामने बिरसा मुंडा स्टेडियम की दीवार से सटे स्थान जहां साप्ताहिक बाजार के दौरान सब्जी विक्रेता दुकान लगाते हैं, वहां ठेले खोमचे लगाए जाएंगे। दुकानदार भी इस जगह पर अब सहमत हो गए। नगर निगम ने सोमवार को फुटबॉल स्टेडियम के ठीक पीछे 3 जेसीबी लगाकर जमीन की लेवलिंग कर साफ सफाई कराई। फुटपाथ दुकानदारों को हॉट वाली जगह पर शिफ्ट किए जाने के बाद निगम अब यहां सप्ताह में 2 दिन लगने वाले हाट को भी शिफ्ट करने की तैयारी में। इसके लिए निगम ने एमटीएस वाले रोड को चिन्हित किया है। अब इसी रोड पर सप्ताह में 2 दिन लोग अपनी सब्जी की दुकान लगाएंगे। जिस दिन हाट लगेगा उस दिन इसे बैरियर से बंद कर दिया जाएगा। इसके जगह पर लोग वैकल्पिक मार्ग के रूप में TRI सड़क का इस्तेमाल करेंगे। बापू वाटिका से मोहराबादी की ओर सड़क किनारे लगने वाले फुटपाथ दुकानदारों को निगम हटाएगा। यहां लगने वाली दुकानों को आगे स्टेडियम से सटी बाउंड्री की तरफ शिफ्ट किया जाएगा ताकि आज बापू वाटिका के आसपास जगह अब खाली हो सके हमेशा के लिए। यहां निगम साइकिल ट्रैक के साथ बैठने के लिए कुर्सियां लगाएगा। तो बापू वाटिका के आगे से दुकानें हट जाएंगी। मोहराबादी के आसपास के इलाकों में जो दुकानें थी अब उसको शिफ्ट किए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। रांची के मोहराबादी मैदान में 27 जनवरी को घटी घटना के बाद तमाम दुकानें बंद रही हैं। अब धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी हैं और नगर निगम का प्रयास भी है कि अब जो दुकानें बंद हैं उन्हें दूसरे जगह शिफ्ट करने की बात हो गई है। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहां पर बंद जो दुकानें हैं, जो गुरुजी आवास के अगल बगल और अन्य जगहों में जो दुकानें हैं उन्हें अब इस जगह में शिफ्ट किया जाएगा। और आज 12 दिन के बाद जो है, जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनके लिए यहाँ जो जूस की जो दुकान है वो आज खुली है। तो कहीं ना कहीं जो मॉर्निंग वॉकर्स आते थे और प्रतीक्षा में रहते थे कि जूस कब मिलेगा, तो वो दुकान भी आज खुल गई है भैया। लगभग 12 दिन के बाद आज, हाँ भैया, मतलब लोगों को आप जूस पिला रहे हैं, हाँ। 12 दिन का क्या अनुभव रहा? देखिए, 12 दिन में लोगों का जो मॉर्निंग वॉकर थे उनको काफी तकलीफें हो रही थी। तरह तरह का, जैसे डायबिटीज के लिए पेशेंट थे, वो हार्ट के पेशेंट थे, बीपी के पेशेंट थे, तो उन लोग को काफ़ी परेशानी हो रही थी, जिसके चलते हम लोग काफ़ी दबाव के सिंह जी जल्दी, मतलब जल्दी से जल्दी हम लोग को दुकान खोला जाए। प्रशासन से हम लोग लगातार मांग कर रहे थे, हम लोग भी प्रशासन से लगातार के जगह हम लोग को आवंटित किया गया, उसी आवंटित जगह पर ही हमने दुकान को लगा रखा है। देखिए, ये आवंटित जगह में दुकान जो है अब धीरे धीरे खुलने लगी है। ये बताइए, 12 दिन का क्या अनुभव रहा था? देखिए, जितने भी मॉर्निंग वॉकर थे और जो भी समाज से जुड़े हुए लोग थे, ये दो फुटपाथी दुकानदार के रोजी रोजगार से और उनके परिवार के पास जो एक जो भव्य स्थिति हो गया था दुकान बंद होने से रोजी रोटी का, उससे हम लोग सारे लोग लगातार नगर निगम और सरकार से मांग कर रहे थे कि इनकी दुकान लगने दिया जाए। अगर लॉ यूनिट का अगर समस्या जहाँ पर है वहाँ वो एक अलग मामला है, लेकिन ये दुकानदार जो है इनके इसी से रोजी रोटी और परिवार चलता है। सभी लोगों का लगातार प्रयास के बाद इन लोगों को जगह दिया गया, हम लोग काफी खुश हैं। तो ये देखिए, सभी लोगों की रोजी रोटी जरूर चलनी चाहिए क्योंकि हर कोई को खाने कमाने का, परिवार चलाने का हक है, लेकिन एक अनुशासन के तहत तमाम लोगों को रहना होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि मोहराबादी में अब धीरे धीरे रौनक जो है लौटने लगी है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन रिंकू के साथ अंजनी कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।